Subscribe my YouTube channel and please support me. मूवी की शुरुआत होती है जो हमारी मेन कैरेक्टर है मेडिटा, वो अपने पापा फरकेश और अपनी माँ के साथ अपने पहले जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है जंगल में। मेडिटा को आर्चरी बहुत पसंद होती है जो कि तीर कमान को। मेडिटा अपने पापा से कहती है कि मेरे को भी तीर कमान चलाना सीखना है, तो उस समय उसके पापा उसको गिफ्ट देते हैं अपने पहले जन्मदिन पर तीर कमान। मेडिटा बहुत छोटी होती है उस समय वो सीख रही होती है तीर कमान चलाना अपने पापा से। उसका तीर गलती से जंगल में चला जाता है और कहती है उफ़ मैं चूक गई। उसके पापा बोलते हैं कि जाओ तो तीर लेके आ जाओ। जब वो तीर लेने जाती है तो उसे जादुई चुगने दिखाई देते हैं। उसी समय उसकी मम्मी की आवाज़ आती है, मेडिटा आ जाओ अब हमें घर चलना चाहिए। मेडिटा अपनी दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास जाती है और कहती है मैंने जादुई जुगनू देखा माँ, मैंने जादुई जुगनू देखा है। उसकी माँ उससे मेडिटा से कहती है कि तुम्हें पता है कि जादुई जुगनू तुम्हें तुम्हारी राह तक और मंजिल तक ले जाने में मदद करता है। मेडिटा के डैड ये सुन के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहता है ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होती है। जिस समय बेसब तैयार होते हैं घर जाने के लिए, जो कि मेडिटा के पापा होते हैं जो कि सरदार रहते हैं, और वहाँ से एक विशाल भालू आ जाता है। सरदार रहते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि अपने किंगडम को बचाना, इसलिए वे उस भालू से लड़ने चले जाते हैं। उसी बीच वो अपना एक पैर खो देते हैं। जब वह अपना एक पैर खो देते हैं तो वो घर पर चले जाते हैं। एक लकड़ी का पेड़ बनाया जाता है, उनको लगा दिया जाता है। इसीलिए उनका पैर गया था भालू की वजह से, वह भालुओं से बहुत नफरत करते हैं और वो रोज़ाना तक प्रैक्टिस करते रहते हैं उस भालू से लड़ने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, जो हमारी मेडिटा है वह शादी लायक हो जाती है। उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है जो कि मम्मी देती हैं उसकी रानी बनने के लिए, और मेडिटा जो है तीन भाइयों की बहन बन चुकी होती है। मेडिटा इन सारी चीज़ों से बहुत परेशान होती है। उसे अभी से उसकी जिम्मेदारियों का रियलाइज़ करा दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम राजकुमारी हो, ये ना करो वो ना करो। उसको हर बात पे टोका जाता है और हर चीज़ के लिए मना किया जाता है, जहाँ तक वो चलती है, खाती है, सोती है, हर चीज़। उसकी माँ उसे सारी महारानियों वाली चीज़ें सिखाती रहती हैं। उसके जीवन में एक दिन आता है जो कि साल में एक बार आता है, उसका बर्थडे। उस दिन उसे पूरा फ्री छोड़ दिया जाता है, उसे कोई भी तरीके की काम नहीं कराया जाता है। उससे कहा जाता है तुम्हें इस दिन में जो भी करना है वो कर सकती हो। इस दिन वह घोड़े पे बैठती है और झूमते उछलते जाती है तीर कमान चलाने, और वहाँ पे बहुत इन्जॉय करती है। नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि मेडिटा और उसके पापा, मम्मी और उसके तीन भाई सभी लोग एक जगह पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। जो उनके भाई रहते हैं वो शरारती रहते हैं, वो शरारती करते रहते हैं। उस समय मेडिटा खाना खा रही होती है और वो हंसती है। उस समय उसकी माँ कहती है महारानियाँ ऐसे नहीं हंसती, खाते समय आवाज़ नहीं करती और ब्ला ब्ला ब्ला। जिस समय वे खाना खा रहे होते हैं उस समय उनके दरबार की दासी आती है कुछ चिट्ठियों को लेके। जब मेडिटा की मम्मी ये सारी चिट्ठियाँ पढ़ती हैं तो मेडिटा कहती है मुझे नहीं करना अभी शादी मादी, अभी मैं कुछ करना चाहती हूँ मेरे जीवन में। ये सब कह के जो हमारी हीरोइन है मेडिटा, वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर ये उसको समझाने के लिए उसकी माँ उसके कमरे में जाती है, और फिर माँ को देख के मेडिटा कहती है शादी स्वयंवर मैं नहीं करना चाहती। मेडिटा की माँ उसको कोई जवाब नहीं देती है और एक कहानी सुनाने लगती है। एक समय एक प्राचीन राजा रहा करते थे, उनका नाम किसी को याद नहीं है। वो प्राचीन राजा बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनके चार बेटे थे। उन्होंने चारों बेटों को ये जिम्मेदारी दी कि इस राज्य की एकता अब तुम्हारे कंधों पर टिकी हुई है। प्राचीन राजा के सबसे बड़े पुत्र पूरे राज्य पे राज करना चाहते थे। बड़े राजा ने अपनी राह सुनी और पूरे राज्य को तबाह कर दिया। मेडिटा कहती है कि मैं नहीं करना चाहती शादी मादी, ये सिर्फ एक तरीके की कहानी है। उसकी माँ कहती है कि नहीं ये कहानी नहीं, इसमें एक सच्चाई की झलक होती है, मेरी बात मान लो। मेडिटा नहीं मानती है, उसकी माँ गुस्से में आके उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। स्वयंवर के लिए तीन कबीलों से तीन राजा आते हैं और अपने बेटों को लेके मेडिटा से शादी कराने के लिए स्वयंवर में भाग लेने के लिए। तीन के तीन कबीले राजसभा में उपस्थित हैं। अब मेडिटा जाती है, तैयार किया जाता है उसे ज़बरदस्ती उसकी माँ के द्वारा, और मेडिटा को राजसभा में लेकर जाया जाता है।
और उसे इतनी टाइट ड्रेस पहनाई जाती है कि उसे खुद अच्छे से खड़े होते भी नहीं बनता है। तीनों कबीले अपने अपने नाम देते हैं और अपने अपने बेटों को सामने आने के लिए कहते हैं। इस सीन में तीनों कबीले अपने अपने बेटों का इंट्रोडक्शन देते हैं। तीनों कबीले एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं और उस समय तीनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। जो हमारे मेरिटा के पापा हैं वो भी इस लड़ाई में कूद जाते हैं। फिर उसकी माँ आती है और फिर ये सब बंद कराती है। मेरिटा वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए ये सब देख रही होती है। मेरिटा से पूछा जाता है कि तुम तुम्हारे स्वयंवर में कौन सी प्रतियोगिता करनी चाहती हो, तो वो कहती है तीर कमान तीर कमान तीर कमान। तो उसकी माँ कहती है मेरिटा, स्वयंवर को स्टार्ट कर दिया जाता है अगले ही दिन। अलग अलग तरीके की प्रतियोगिता हो की जाती है जो कि सिर्फ टाइम पास के लिए होती है। फिर मेन प्रतियोगिता शुरू होती है जो कि तीर कमान की होती है। स्वयंवर के तीनों राजकुमार तीर कमान उठाते हैं और निशाना लगाते हैं। शुरू के दो राजकुमार से नहीं लगता है निशाना, जो तीसरा राजकुमार आता है उससे तीर तक नहीं उठता है, लेकिन तुक्के में उसका निशाना करेक्ट जगह पे लग जाता है। इसी के बीच मेरिटा के माँ बाजू में देखती है, लेकिन मेरिटा वहाँ पे नहीं होती है। फिर मेरिटा स्वयंवर के अंदर जाती है और कहती है मैं भी तीर कमान चलाना चाहती हूँ खुद के लिए, मैं खुद का ही स्वयंवर खुद से करना चाहती हूँ। मेरिटा की माँ उसे रोकती है और कहती है कि नहीं मेरिटा, तुम नहीं कर सकती है। और उतने में मेरिटा तीनों के तीनों निशाने लगा देती है, वो भी करेक्ट जगह पे। ये सब देख के मेरिटा की माँ को गुस्सा आ जाता है और कहती है मेरिटा ये तुमने क्या किया। उस समय मेरिटा की माँ बहुत गुस्से में रहती है और मेरिटा से कहती है ये सब तुम क्या करती रहती हो, दिन भर तीर कमान चलाती रहती हो, आज तो तुमने हद ही कर दिया। मेरिटा की माँ बहुत गुस्से में रहती है और उसके तीर कमान उठा के आगे में डाल देती है। उस समय मेरिटा बहुत गुस्सा आता है मेरिटा को और वहाँ पर वो रोने लगती है और वहाँ से वो निकल जाती है। फिर उसके बाद मेरिटा की माँ सोचती है कि ये मैंने क्या किया। फिर उसके बाद वो हाथ डालती है आगे में, लेकिन उस समय उसके तीर कमान जल चुके होते हैं। मेरिटा का माँ उस तीर कमान को जलते हुए देख के खुद रोने लगती है। इसी के बीच मेरिटा वहाँ से निकल जाती है, अपने घोड़े के पास जाती है और घोड़े पर बैठ जाती है। उसे भी नहीं पता रहता है कि वो कहाँ जा रही है। घोड़े पर बैठ के वो जंगल की ओर निकल जाती है और जंगल में जब जाती है तो उसे जादुई जुगनू दिखाई देते हैं। जब वह जादू जुगनू देखते हैं तो उसको पुरानी बातें याद आती है कि जादुई जुगनू उसे अपनी राह पर लेके जाएंगे। जिस तरीके से उसने बचपन में जादुई जुगनू देखे थे, ऐसे ही जादुई जुगनू देख के वह उसके पीछे पीछे जाती है अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए। जब वह उसका पीछा करती है तो वह एक घर के पास जाती है। वह घर को देखती है, उसे खटखटाती है तो वहाँ पे आप बहुत सारे टॉयज दिखाई देते हैं उसे, और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत उन चीज़ों को जमाए रही होती है, जहाँ पे सफाई कर रही होती है। वो देखती है कि एक झाड़ू अपने आप झाड़ू लगा रही है, और वो जब वो बूढ़ी औरत झाड़ू को देखती है तो वो चुपचाप बंद हो जाती है झाड़ू लगाना। मेरिटा उस बूढ़ी औरत से कहती है कि मैंने यहाँ पे जादुई जुगनू देखा, ये जब मुझे यहाँ तक जादू जुगनू ने लेके आया। लेकिन बूढ़ी औरत बार बार उसकी बातों को काटती है, कहती है ये ले लो, ये टॉय ले लो, ये टॉय ले लो, ये टॉय ले लो। मेरिटा कहती है कि ये मुझे यहाँ पे जादुई जुगनू, और फिर वह बूढ़ी औरत उसकी बात को काटती है, कहती है ये टॉय ये टॉय, यदि तुम्हें टॉय लेना हो तो लो, नहीं तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ, बूढ़ी औरत मेरिटा से कहती है। बूढ़ी जादूगरनी अपने हथियार उठा लेती है अपने जादू से और मेरिटा के ओर कर देती है और उसे भगा देती है। लेकिन उसी समय मेरिटा अपना पेंडेंट निकालती है और कहती है मैं आपके सारे टॉय खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बूढ़ी औरत वो पेंडेंट ले लेती है और कहती है मेरे सारे टॉयज तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगे। मेरिटा बोलती है उससे कि मुझे अपनी माँ को बदलना है अंदर से। बूढ़ी जादूगरनी मेरिटा के सामने एक केक बनाती है और उसे दे देती है, पर बूढ़ी जादूगरनी मेरिटा को उस केक के बारे में कुछ चीज़ें बताना भूल जाती है। ये पेंडेंट है जो कि मेरिटा ने जादूगरनी को दिया था। इस केक को लेके वह अपने राजमहल जाती है, इस केक को डेकोरेट करती है और अपने माँ के सामने जाती है। उसकी माँ मेरिटा को देख के बहुत खुश होती है और कहती है काश अच्छी बात है तुम वापस घर आ गई हो, अभी तुम्हारे पापा सरदारों के कबीलों का मन बहला रहे हैं। मेरिटा कहती है मैं आपके लिए केक लेके आई हूँ एक नई शुरुआत करने के लिए। उसकी माँ वो केक को खाती है, उसका स्वाद कुछ अजीब सा ही रहता है। मेरिटा की माँ मेरिटा से कहती है चलो चलते हैं, सरदारों की गलत फैमिली को दूर करते हैं। जैसे ही वो कबीलों के कमरे में जाती है,
उसी समय मेरिटा की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। मेरिटा की माँ मेरिटा से कहती है, मेरे को अब तुम कमरे में ले चलो। मेरिटा उसकी माँ को उसके उनके कमरे में लेके जाती है और उन्हें सुला देती है। जब उन्हें सुला रही होती है उसके उसी समय मेरिटा की माँ कन्वर्ट हो जाती है एक भालू में। मेरिटा ये देख के घबरा जाती है और जब मेरिटा की माँ अपने आप को देखती है तो वह और घबरा जाती है। अब मेरिटा के पास एक टास्क रहता है कि उसे उसकी माँ को कहीं कैसे न कैसे करके बाहर लेके जाना है, सभी लोगों की नज़रों से दूर, किसी को बिना पता चले। लेकिन उनके दरबार की दासी ये सब देख लेती है। फिर वह मेरिटा अपने तीन भाइयों के पास जाती है और कहती है कि तुम मेरे 2 हफ्तों की मिठाई खा लेना, लेकिन मेरी मदद कर दो। वो लोग मना कर देते हैं तो मेरिटा कहती है, मेरी 1 साल की मिठाई खा लेना लेकिन मेरी मदद कर दो। तो वो मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अलग अलग तरीके के उपाय करते हैं और राजा को यहाँ से वहाँ दौड़ाते हैं भालू के नाम से और भालू की आवाज़ पे, जिसके कारण महाराज उल्लू बन जाते हैं और यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं। और मेरिटा और उसकी मम्मी मौका देखते ही वहाँ से निकल जाते हैं। पर निकलने से पहले मेरिटा अपने भाइयों से जो वादा किया था वो पूरा करके जाना चाहती है। तो मेरिटा अपने भाइयों से कहती है, यहाँ पे जितनी भी मिठाई है वो सब अब तुम्हारी है। लेकिन मेरिटा ये भूल जाती है, जो मिठाई उसकी माँ ने खाई थी, जो केक उसकी माँ ने खाया था, वो वहीं रखा हुआ है। तीनों भाई वो केक को देखते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। उनका स्वाद इतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन उनके भाई खा लेते हैं। वो केक खाने के बाद मेरिटा के भाई तीनों के तीनों भी भालू बन जाते हैं, जो कि बहुत क्यूट दिखते हैं। आई लव हिम। मेरिटा की माँ ये सब चीज़ें देख के बहुत दुखी हो जाती है और मेरिटा सोचती है, ये सारी गड़बड़ मेरे ही कारण हुई है, यदि मैं ये सब चीज़ें नहीं करती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरिटा सोचती है कि उसी जादूगरनी के पास इस चीज़ का इलाज होगा। तो मेरिटा अपनी माँ को लेके, जो कि भालू बन चुकी है, उसी बुरी जादूगरनी के घर पर जाती है। जब मेरिटा वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर वह देखती है कि वहाँ पे एक पॉट रखा हुआ है। वहाँ पे अलग अलग तरीके की दवाई टाइप रखी हुई है, उस पॉट पे डालने से अलग अलग तरीके के मैसेज निकल रहे हैं। जब मेरिटा अपने नाम की दवाई डालती है तो पॉट से जादूगरनी निकलती है और वो कहती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, मैं तुम्हें ये बताना भूल गई कि सूरज निकलने से पहले तुम्हारी माँ को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी माँ हमेशा के लिए ऐसी ही बनी रह जाएगी। यदि तुम्हें तुम्हारी माँ को ठीक करना हो तो फटे रिश्तों को सियो। मेरिटा अपनी माँ के साथ बहुत इन्जॉय करती है। वह वापस जा रहे होते हैं उस समय एक लकड़ी के फर्नीचर पे उनका पैर रखाता है। मेरिटा अंदर गिर जाती है लेकिन उसकी माँ बाहर रह जाती है। जब वह अंदर गिरती है तो वहाँ पे एक भालू दिखाई देता है। जब वह पहली बार उस स्टोर पर गई थी जादूगरनी के, तो जादूगरनी ने कहा था, ये मैं दूसरी बार ट्राई कर रही हूँ इस चीज़ को। इससे पहले मेरे पास एक राजकुमार आया था, उसे 100 हाथियों की पावर चाहिए थी, तो उसने मुझसे ये चीज़ बनवाई और उसने खाई तो उसे 100 हाथियों की पावर मिल गई। मेरिटा जब उस भालू को देखती है वो थोड़ा अजीब से दिखाई देता है, उसके हाथ पैर पूरे कटे होते हैं। उसे देख के वह समझ जाती हैं ये वही राजा है जिसे 100 हाथियों की पावर चाहिए थी। इसी के साथ मेरिटा घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। उसकी माँ हाथ देती है, मेरिटा उनका हाथ पकड़ के बाहर निकल जाती है और फिर उसके बाद दोनों के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसी के बीच मेरिटा को उसका जवाब मिल जाता है पहेली का, कि फटे हुए रिश्तों को सियो। जब मेरिटा की माँ ने मेरिटा के तीर कमान आगे में डाले थे, उसी समय मेरिटा के हाथ से उसकी माँ का बना हुआ कर्टन फट गया था। यही बात अपनी माँ को समझाती है मेरिटा और कहती है, हमें वह पर्दा वापस लाना पड़ेगा। और उसकी माँ दोनों ही जाते हैं राजदरबार में कर्टन को वापस लेने के लिए। बीच में सारे कबीले वाले और महाराज कुछ तीरंदाजी और कुछ खेल या कुछ लड़ाई टाइप कर रहे होते हैं, उनकी नज़रों से बचाते हुए उसकी माँ को उस कमरे तक लेके जाना रहे। इसलिए मेरिटा उन सभी को समझाने के लिए उनके पास जाती है और चीज़ों को समझाती है कि तुम सब एकजुट हो। इतने में सभी लोग मेरा ध्यान मेरिटा की तरफ रहता है और उसी के बीच मेरिटा कहती है कि चलिए जश्न बनाएं। ये सुनकर सारे के सारे कबीले वाले जश्न वाले कक्ष में चले जाते हैं और पूरा कमरा खाली हो जाता है। ये मौका देख के मेरिटा और उसकी माँ कमरे में चले जाते हैं। वह उस कम्बल को या पर्दे को सिल लेते हैं, लेकिन जो मेरिटा की माँ रहती है
जो कि भालू में कन्वर्ट हो रही होती है धीरे धीरे, इसलिए वो अनप्लीजेंट बिहेवियर करते हुए मेरिटा पे हमला कर देते हैं। यह आवाज़ सुन के मेरिटा के पापा आते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी तुम्हारी माँ का बदला लेना है, मेरी टांग का बदला लेना है। और वो है उसका भालू जो मेरिटा की माँ रहती है वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन पूरे कबीले वाले और मेरिटा के पापा उसका पीछा करते हैं। उसी के बीच जो मेरिटा है वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि उसके पापा जो रहते हैं उनका गेट लगा देते हैं कमरे का और मेरिटा वहीं फंस जाती है। उनके तीन भाई रहते हैं, तीन भाई उसकी दासी से चाबी लेते हैं और उनको जैसा कि आपको पता है कि मेरिटा के जो भाई थे तीनों के तीनों उन्होंने भी वह केक खा चुके थे, तो वो भी भालू में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे भालू जो कि बहुत क्यूट दिखते हैं। वहीं दूसरी स्टोरी के सेकेंड पार्ट में सारे कबीले वाले ये नहीं जानते हैं कि मेरिटा की माँ भालू बन चुकी है। वो भालू को वह लोग परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन जो डेंजर जहाँ भालू है जिसे सोहाटियों की पावर मिली हुई है वह भालू भी वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे मेरिटा भी वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। मेरिटा एक नए तीर कमान उठा लेती है और वहाँ पे चली जाती है कबीलों वालों से लड़ने के लिए, और जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है मेरिटा अपने तीर कमान उनकी तरफ कर लेते हैं और कहते हैं ये मेरी माँ है, इस पे ये सब माँ। राजा और सारे कबीले वाले बड़े टेंशन में जाते हैं और वो सब लोग सोचते हैं कि ये सब कैसे हुआ, वो लोग ये सब एक्सेप्ट भी कर लेते हैं ये सब कैसे हुआ। उसी के बीच जो डेंजरस भालू होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है जिसे 100 हाथियों की पावर मिली हुई। वो मेरिटा पे हमला करता है, लेकिन उसकी माँ सामने आ जाती है अपनी जान पे खेल के उस भालू को रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि वो बहुत पावरफुल रहता है। वो अब मेरिटा की माँ पूरा 100% देती है, लेकिन वो भालू से पकड़ता है मेरिटा की माँ को और एक पिलर में जाके ठोक देता है और मेरिटा की माँ को पकड़ के फेंक देता है। उसी बीच पिलर में क्रैक आ जाता है और वह पिलर टूट जाती है और जो डेंजरस भालू रहता है उस पर गिर जाती है। उसी बीच और जो भालू होता है वो डायरेक्टली मर जाता है इस मूवी में, और जो उसकी मेरिटा की माँ रहती है जो कि सनलाइट आ रही होती है जो कि सेकंड शाम का श्राप था, तो वह उनके ऊपर तक नहीं आ पाता है और वो रियल रूप में आ जाती है मेरिटा की माँ इंसानी रूप में। साथ ही साथ हमारे तीन क्यूटी मीन्स तीनों भाई मेरिटा के वो भी नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। इसी के बाद सरदार अपने घर चले जाते हैं और सब खुशी खुशी जीते। आज की वीडियो में इतना ही, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं लगी हो तो मेरे को माफ़ करिएगा कोई गलती हो गई हो मुझसे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।